ओके ब्रदर, सो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो आप दिखाने वाले हो? इस वीडियो का बेसिकली टॉपिक रहेगा आपका आउटडोर फ्लोरिंग और स्पोर्ट्स फ्लोरिंग। अच्छा जी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी, स्टार्ट करेंगे हम डेक टाइल से। डेक टाइल्स हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है जो आजकल आउटडोर के साथ, ग्रास के साथ क्लब लोग कर देते हैं। कुछ वुड के साथ आती हैं, कुछ WPC में आती हैं, अलग अलग काफी डिजाइन हैं इसके अंदर। ओके, प्लस ये वाटरप्रूफ रहती है, प्रॉपर एक्सटीरियर मटेरियल है। एंड प्राइस रेंज क्या है इसकी? प्राइस रेंज अलग अलग है, डिपेंड करता है, मतलब मान के चलिए स्टार्टिंग इसकी अगर नॉन ब्रांड की भी बात करें तो 350 से स्टार्टिंग हो जाती है। और कितने तक जाती है? 600-650 पर स्क्वायर फीट तक जाती है। अच्छा ठीक है, कैटलॉग्स वगैरह इसकी अगर किसी को चाहिए PDF फॉर्म पे मिल जाएंगे? पूरी अवेलेबल है, अलग अलग बहुत डिजाइन है उसके अंदर, सारे उनको भेज देंगे या आप बाकी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिखाने वाले फिर? इसके बाद हम थोड़ी सी रेंज दिखाएंगे, कुछ टर्फ की, कुछ जिम फ्लोरिंग की और ग्रास वगैरह की। ओके जी, ये आपने सेटअप किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा धीरे धीरे मुझे समझाओ है क्या ये। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ग्रास सबको पता है कि क्या चीज़ है, उसमें बहुत वैरायटी आती है। जैसे ये सब ग्रास है। जी जी जी। अब ये कुछ नेचुरल ग्रास के अंदर आती है, जिसके अंदर दो शेड्स आते हैं। ओके, जो प्रॉपर जैसे नेचुरल ग्रास अपनी होती है उस टाइप की है, ये कुछ उसी में वेरिएशन है, थिकनेसेस अलग अलग हैं। फिर ये ग्रीन ऑन ग्रीन आती है, ये थोड़ी और बेसिक है। ये थोड़ी नेचुरल ग्रीन आती है। ओके, ये भी चीज़ है। और इनके अंदर ग्रेड्स बहुत आते हैं, वीविंग हर तरीके की, तो इसकी प्राइस रेंज बहुत वास्ट होती है। अच्छा, बहुत बेसिक से लेके बहुत हाई क्वालिटी तक चीज़ आती है, डिपेंड आप क्या चीज़ लेना चाहते हो। बट जो अभी फ़िलहाल देख रहा है वो कुछ सोच के आएगा, अपना बजट लेके आएगा, तो क्या प्राइस रेंज स्टार्ट होने वाली है ग्रासेस में, कुछ आइडिया दे दो। सर, ग्रास की प्राइस रेंज आप मान के चलिए स्टार्ट हो जाती है 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से, एक डिसेंट क्वालिटी की मिलने चालू हो जाती है। उसके बाद दिस कैन हाइक अप टू 160 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। उसके अंदर जो टॉप नॉच क्वालिटी आती है वो यूवी रे प्रोटेक्टेड टाइप की ग्रासेस आती हैं। ओके, वो 10 साल की वारंटी वाली ग्रासेस आती हैं, उस टाइप की है। बहुत वास्ट वेराइटी है, मैंने आपको बताया, इसमें स्टिचेस का बहुत फ़र्क होता है, राइट, बैक का बहुत फ़र्क होता है, कितना उसके अंदर पोर्स एक्चुअल हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत चीज़ के ग्रेड्स हैं, हर चीज़ ग्रीन देखने वाली ग्रास नहीं होती है, क्योंकि इसका बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी। ऑनलाइन लोग ग्रास इस रेट पे बेच रहे हैं और किसी को सिर्फ ग्रीन देखने से वो लग रही है, पर क्वालिटी में इतना फ़र्क है कि आप चलोगे वो ग्रास निकल जाएगी, वो डिसकलर हो सकती है, वो बिल्कुल आर्टिफिशियल ही लगती है। अच्छा जी, बहुत फ़र्क होता है। ओके, एंड इनके जो रोल्स आते हैं जी, वो लेने पड़ेंगे या मिनिमम? ऑप्शंस अवेलेबल है, दोनों ऑप्शन, कुछ भी, कितना भी क्वांटिटी चाहिए वो सब मिल जाएगा, ले सकते हैं। विड्थ इसकी 6.5 फीट आती है रोल की। ओके, तो वो तो लेनी ही पड़ती है, बाकी आप लंबाई जितनी मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या यूनिक आइटम है ये? अगर हम ग्रास के रिलेटेड ही बात करें तो आजकल जो चीज़ चल रही है मोस्टली यहाँ पे अहमदाबाद में, बॉक्स क्रिकेट वगैरह और इस तरीके के ग्राउंड्स बहुत बन रहे हैं। अच्छा। और इस तरीके की चीज़ों के अंदर मेनली जो यूज़ आती है वो आती है स्पोर्ट्स टर्फ की। ओके, जैसे ये कुछ वैरायटी है हमारे पास स्पोर्ट्स टर्फ की। इसकी थिकनेस वगैरह क्या रहती है? थिकनेस मेनली इसके अंदर कम भी आती है, पर हम रिकमेंड करते हैं 15-16 mm देना। जैसे ये 15 mm है, ये 16 mm है। ओके, अलग अलग ब्रांड्स के अंदर आती है। कलर में भी वेरिएशन है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, कलर में वेरिएशन है ब्रदर, एक इम्पोर्टेड है, एक ब्रांडेड है। अच्छा, बहुत फ़र्क है, बहुत ग्रेड्स की आती हैं। देखिए, जिसको लंबा चलाना है और जिसको एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से लेना है, उसमें फ़र्क है। अच्छा, तो हमारे को दोनों रखना होता है। तो आप बेसिकली रिकमेंड क्या करोगे जो टूर्नामेंट्स के लिए ले रहे हैं? सीरियस टूर्नामेंट्स के लिए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रांडेड ही रिकमेंड करेंगे हम, क्योंकि आपकी ब्रांडेड के अंदर क्वालिटी जो रहती है उस हिसाब से आप जितना मर्जी उसके ऊपर प्ले कर रहे हो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। राइट राइट, इम्पैक्ट लेके भी वो ऐसा डिस शेप नहीं होती है या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। ओके, तो हैंडमेंट तो वही करते हैं। इनके पीछे किस तरह का पोर्स वगैरह है देख सकते हैं क्या? हाँ श्योरली, इनके पीछे इनकी जैसे ग्रास टाइप की बैकिंग रहती है, पर इससे थोड़ी सी हैवी रहती है ये। ओके, क्योंकि इसके ऊपर मेजरली प्ले का होने वाला है। जैसे ये ब्रांड्स के हैं, इनके भी रहते हैं, ये ग्रीन बैकिंग के साथ आता है, साथ में एक्टिव फोर्स होते हैं इनके पीछे, तो अच्छा, कोई प्रॉब्लम इनके अंदर नहीं आती। और इस भी इसको वेट कर सकते हैं? श्योरली, है ना, 100% प्योरली आउटडोर इसी चीज के लिए हुई ना ब्रदर। हाँ, जितना मर्जी इसके ऊपर पानी आए, बारिश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्राइस रेंज क्या रहती है इनकी? प्राइस रेंज देखिए, बिल्कुल बेसिक की स्टार्ट करने की बात करेंगे हम तो मान के चलिए 60 रुपीज से भी स्टार्ट हो जाती है, बट जो हम रिकमेंड करते हैं और जो मैं क्वालिटी आपको दिखा रहा हूँ उसकी मान के चलिए 85-90 से स्टार्टिंग है। अच्छा, ओके, एंड क्वांटिटी इसमें क्या रहने वाली है सर? क्वांटिटी इसके अंदर डिपेंड करती है सर, अगर जैसे ग्राउंड्स वगैरह बन रहे हैं उस हिसाब से, रोल्स के हिसाब से ज़्यादा जाती है क्वांटिटी। सपोज मुझे ये अपनी बालकनी में
लगाना है या अपने टेरेस पे लगाना है? लगा सकते हैं सर, मैंने वही बोला कि आपकी विड्थ 6.5 होनी चाहिए, बाकी जितना मर्जी जैसे समझ लीजिए। ठीक है, और इसमें पानी जो है रुकेगा नहीं ना? नहीं। और बाकी जो हमने बाकी ये देखे इसमें भी पानी का कुछ ऐसा लॉकेज वगैरह? डिपेंड करता है ग्रेड के ऊपर। अच्छा। जैसे आप बहुत चीपर एंड पे जाओगे तो उनमें पोर्स होते हैं दिखाने के लिए कस्टमर को कि उसमें छेद है, बट वो एक्टिव नहीं होता। हाँ। मैं एक्टिव पोर्स बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ इसी चीज के लिए, क्योंकि अच्छी ग्रेड की अगर कोई चीज ले रहे हो तो उनके एक्टिव पोर्स काम करते हैं, पानी थ्रू एंड थ्रू जाता है, बट वैसे नॉर्मली अगर लोकल की बात करो तो पानी स्टक रहता है। अच्छा, ओके, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ सैंपल रखे हैं आपने, ये हैं क्या? ये स्पोर्ट्स फ्लोरिंग है ब्रदर, ये जिम में काम आती है मेनली। अच्छा। जैसे आपके रैक्स करने हो, रीरैक करने के लिए डंबल्स वगैरह रखते हैं, या कोई चीज़ इस पर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट चीज़ चाहिए हो आपको कि वो आपके नॉर्मल फ्लोर को या पीसीसी को हिट करके डैमेज ना करे। ओके, तो मैं चाहूँगा सैंपल थोड़े छोटे हैं। हाँ। आप एक एक करके अपने हाथ पे ले लें और मुझे उसके बारे में बताएं। जैसे ये जिम फ्लोरिंग है, ये मैंने उसी चीज़ के लिए बताई प्रॉपरली, इस चीज़ के आती है, ये रबर बेस वाली चीज़ है। ओके। इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे ये है, ये 2x2 की टाइल्स भी आती हैं, अलग अलग साइजेस में प्रोवाइड हो जाती हैं जिम्स के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से कि क्या चाहिए। ठीक है। जितना उनका एरिया है उस हिसाब से डिपेंड करती है। कुछ बहुत थिक भी आती हैं, जैसे ये पावर लिफ्टिंग वगैरह में काम आती हैं। राइट। पावर लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा वेट होता है तो इम्पैक्ट लेने के लिए काफ़ी थिक आती है। इसकी थिकनेस बहुत वेराइटी में आती हैं इस चीज़ की, आपके डिपेंड के आपके उससे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं। ओके, एंड इनकी प्राइस रेंज वगैरह क्या स्टार्ट है फिर? प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है, मान के चलिए इसकी 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग हो जाती है, एंड इट गोज अप टू 250-300 आराम से। ओके। जैसे ये पीवीसी भी आती है, ये भी चीज़ें होती हैं, ये लॉक इन लॉक वाली सीन आती है। अच्छा। हाँ जी, ये साथ के साथ खुद ही असेंबल कर सकते हैं, डीआईवाई टाइप की चीज़ रहती है ये। अच्छा। इस टाइप की भी, जैसे पजल सॉल्व करते हैं वैसे इसी टाइप का, बड़ा इजी सा सोल्यूशन है। 2x2 की टाइल आती है, छोटा सैंपल है। इसके अलावा? जी, इसके अलावा अभी हमारे पास बहुत वेराइटी है जो आपको हम पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने खुद इंस्टॉल करी हैं, और सैम्पल किट्स तो बहुत ही हैं, अब ये कुछ हमने लगाए हैं सिर्फ। ओके, और जितने भी लोकल्स देख रहे हैं जी, मैं चाहूँगा आप वीडियो को एंड करने से पहले एक बार लोकेशन समझा दें और प्रोडक्ट जो आपके पास हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ दे दें वीडियो को एंड करने से पहले। श्योरली। हम लोकेटेड हैं यहाँ अहमदाबाद नेहरू नगर सर्कल के साथ, सैटेलाइट एरिया के बिल्कुल साथ में, अंबावाड़ी। आप बिल्कुल होंडा के शोरूम के ऊपर हमारा शोरूम है, सिंह इंटीरियर के नाम से। एंड हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंटीरियर प्रोडक्ट्स मैक्सिमम हम केटर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपकी विंडो ब्लाइंड्स हो गई, फ्लोरिंग सॉल्यूशंस जैसे वुडन फ्लोरिंग, SPC, WPC, इस टाइप के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। पैनलिंग्स में WPC, चारकोल, PVC, वॉलपेपर्स, वॉल कवरिंग्स, कस्टमाइज सब कुछ मिल जाएगा, और ये जिम फ्लोरिंग वगैरह की तो हम बात कर ही चुके हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सिंह इंटीरियर से जुड़े सारे पार्ट्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे, और आपने शुरुआत से लेकर एंड तक सारी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी। बहुत मेहनत की है यहाँ तक आकर वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फॉलो ज़रूर करें। आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे ला सकें। तो दोस्तों अहमदाबाद का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, अब मिलेंगे आपसे एक और जगह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली दोनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।